तो दिया क्या है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं इस प्रकार, 3 × 3 बराबर 3 × 9। इसे लिखेंगे 5 × 5 बराबर 5×25। इसे लिखेंगे 7 × 7 7×49। इसे लिखेंगे 9×9 बराबर 9×81। इसे लिखेंगे 11×11 बराबर 11×3 121। 13×13 बराबर 13×3 169। अब दूसरा दिया हुआ है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि 56 का 65 का 82 का 75 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसे हम पहले इस प्रकार लिख लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है, 56 का स्क्वायर। दूसरा क्या है, 65 का स्क्वायर। तीसरा क्या है 82 का स्क्वायर। चौथा क्या है, 75 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, हम इसे साइड में गुणा भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है 65 या 56 का, पहले हम 56 का करते हैं। 56 × 56 6×36 = 6, 6×5 = 30 और 3 हासिल इसमें आया था हो गया 33 और 6×5 = 30 30×0 और 5×25 और 3 हासिल 28। तो क्या हुआ, 6×3 = 8×3 = 11 के 1, 2, 1, 3। पहला का क्या आया, 31, 36। इसका आया 31, 36 आंसर। दूसरा हम देख लेते हैं 65 का, यहाँ पर तो 65 × 65 5×25 = 5 और 6×5 = 30 30×2 = 32 और 6×5 = 30 6×36 = 36 36×3 = 39। इसका क्या होगा, 5 आया 2 आया और 9×3 = 12 3×1 = 4 कितना हुआ, 42×25। इसका आंसर हुआ 42×25। फिर दोस्तों देखते हैं 82 का यहाँ पर कर लेते हैं 82 का गुणा। तो दोस्तों 2×2 = 4 8×2 = 16 16×6 8×2 = 16×6 8×5 = 64 64×1 = 65। यहाँ क्या होगा, 4×6 = 12 6×1 = 7 और 6 यहाँ होगा 67×24। इसका होगा 67×24। दोस्तों इसी प्रकार 75 का कर लेते हैं, 75×75। तो इसका हुआ दोस्तों 5625। इसका हुआ 5625। यह हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया क्या है, पहला हम यहीं पर कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है, पहले सभी क्वेश्चन को उतार लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है, -5। दूसरा है, -13/17। तीसरा है, -6/7। चौथा है, 15/19। और पांचवा है, -125। और छठवा है, 9/-23। तो दोस्तों अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए दोस्तों निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका दोस्तों वर्ग ज्ञात करते हैं। तो इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम कर देंगे वर्ग, सबका वर्ग, वर्ग सबका वर्ग होगा, सबका वर्ग, ठीक है।
अब इसे करते हैं, जैसे कि दिया है माइनस पाँच गुड़े माइनस पाँच, तो बराबर क्या होगा, माइनस माइनस कट गया तो पाँच ओम पच्चीस बच गया। यहाँ क्या होगा, बराबर तेरह गुड़े तेरह बटे सत्रह गुड़े सत्रह, बराबर तेरह तेरह कितना होता है एक सौ उनहत्तर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा इसका होगा दो सौ नवासी, इसका यहाँ पर माइनस है तो देखिए दोस्तों छः गुड़े माइनस छः बटे सात गुड़े सात बराबर होगा, माइनस माइनस कट गया तो छः छः छत्तीस बटे सात सत्तर उनचास, उनचास हो गया। इसका दिया हुआ है पंद्रह गुड़े पंद्रह और उन्नीस गुड़े उन्नीस, तो पंद्रह का होता है दो सौ पच्चीस और उन्नीस का होता है तीन सौ इकसठ, इसका एक सौ पच्चीस तो माइनस एक सौ पच्चीस गुड़े माइनस एक सौ पच्चीस बराबर होगा पंद्रह छः सौ पच्चीस, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाता है। यहाँ पर नौ गुड़े नौ बटे तेईस गुड़े तेईस बराबर नौ नौ इक्यासी और तेईस तेईस से यहाँ होता है पाँच सौ उनतीस, माइनस माइनस यहाँ पर भी कट गया। ठीक है, तो यहीं पर हमारा वीडियो होता है खत्म, आगे चलते हैं।